नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एलएसी के ऊपर चाइनीज फाइटर जेट उसके नजदीक बेस के ऊपर खड़े देखे गए थे, लेकिन अब उनको उड़ान भरते भी देखा गया है। क्या है ये रिपोर्ट, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप, पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। दोनों देशों के बीच में काफी तनाव है, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा नजदीकी से देख रही है चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट को, जो कि दोस्तों 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पे अपने होटान और गार्गुंसा बेस के ऊपर स्टेशनड हैं। दोस्तों सोर्सेज ने एएनआई को बताया कि चाइनीज एयरफोर्स ने अपने 10 से 12 एयरक्राफ्ट को इस समय रखा हुआ है हमारे बॉर्डर के नजदीक, जो कि J-11 और J-7 है, और जो कि दोस्तों इंडियन टेरिटरी के नजदीक ही उड़ान भरते भी देखे गए हैं। उनके ऊपर एक बहुत ज्यादा नजदीकी से निगाह रखी जा रही है, और ये एयरक्राफ्ट दोस्तों सोर्टीज कर रहे हैं अपने होटान और गार्गुंसा बेस से 30 से 35 किलोमीटर दूरी तक हमारी लद्दाख रीजन की टेरिटरी से। हालांकि सूत्रों का ये भी कहना है कि वे 10 किलोमीटर के नजदीक देखे गए हैं इंडियन एरियाज से। और दोस्तों इंडिया ने उस समय अपने SU-30 MKI की सोर्टीज ली जब इंडियन आर्मी का चोपर और चाइनीज चोपर एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे हवा में। और दोस्तों इंडिया की वैसे भी होटान बेस के ऊपर काफी ज्यादा निगाह रहती है और इसका सर्विलियंस करती रहती है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एजेंसीज ने देखा था कि अभी कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने भी यहां पर एरियल एक्सरसाइज की थी PLA एयरफोर्स के साथ में। और दोस्तों लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के 6 JF-17s ने स्कर्दू एयरफील्ड, जो कि दोस्तों लद्दाख के वेस्टर्न साइड में स्थित है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहां से सोर्टी ली थी और वे होटान एयरबेस के ऊपर पहुंचे थे जहां पर एक एक्सरसाइज हुई थी जिसे शाहीन 8 का नाम दिया गया था। और दोस्तों हमारी डिफेंस फोर्सेस की अगर लद्दाख बेस्ड सर्विलियंस और टारगेट एक्विजिशन बैटरीज की बात करें, तो इनके अनमैंड व्हीकल्स ने भी LOC के दोनों तरफ रिकनिसेंस मिशन किए हैं, स्पेशली दोस्तों चाइनीज पोजीशन गलवान नेला के अंदर देखने के लिए, और आगे भी ये करते रहेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी फाइटर जेट इकट्ठे कर ले, हमारी पूरी तैयारी है, हमने उन पर निगाह रखी हुई है, और यह केवल चाइना ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है। हालांकि पिछले 50 सालों से एक भी गोली नहीं चली है, और जब भी दोस्तों ऐसा हुआ है तो इंडिया ने जवाब दिया, और लास्ट टाइम 1967 के अंदर ऐसा हुआ था जब इंडिया ने चाइना को धो दिया था और उसके 400 सैनिक मार दिए थे। तो आगे भी चाइना ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।